ग्लोबल एन कैप ने टेस्ट कर लिया हैरियर और सफारी की बिल्ड क्वालिटी और दिए हैं 5 स्टार, और इस गाड़ी को वॉल्वो से डायरेक्ट कंपेयर किया जा रहा है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये वॉल्वो से टक्कर ले पाएगी या फिर नहीं बिल्ड क्वालिटी की तरफ। मुझे तो नहीं लगता कि बिल्ड क्वालिटी में वॉल्वो को कोई भी मात दे सकता है। तो ये रहा आपका फ्रंट बैरियर टेस्ट जो टाटा सफारी का किया गया है। मुझे नहीं लगता कि ये हैरियर के या फिर वॉल्वो के किसी भी कंपैरिजन में आ सकती है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी के मामले में मानता हूं कि टाटा बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि फ्रंट पर जब बैरियर से टकराई गई ये कार, तो फ्रंट पूरा का पूरा डैमेज हो गया। आप देख सकते हैं इसमें 7 एयरबैग दिए गए हैं, इस वजह से इसकी बिल्ड क्वालिटी की रेटिंग ज़्यादा आ गई है। अदरवाइज इसका जो इस बार इसमें लोहा यूज किया गया है वो भी मुझे कमज़ोर लग रहा है पहले की बजाय। आप देख सकते हैं इस वीडियो में बिल्कुल ही जो फ्रंट का बैरियर है वो बिल्कुल ही टूट चुका है, और आप देख सकते हैं कि चाइल्ड ऑक्यूपेंट के भी हाथ वगैरह उखड़कर बाहर निकल गए। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि टाटा सफारी को 5 स्टार रेटिंग दे देनी चाहिए थी, लेकिन इसको ज़्यादा ही ओवरवेलम किया जा रहा है, ज़्यादा ही इसकी हवाबाजी करी जा रही है। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा ऑटो ग्लैमर इंडिया, ये चैनल आपके लिए ऐसी वीडियोज लाता रहेगा। अब देखते हैं इसका बैरियर टेस्ट, साइड बैरियर टेस्ट। साइड बैरियर टेस्ट में भी आप देख सकते हैं कि खिड़कियां बिल्कुल ही अंदर की तरफ घुस गई हैं और डोर्स हैं वो बाहर की तरफ निकल आए ऊपर से। तो मुझे नहीं लगता कि बिल्ड क्वालिटी इस बार इतनी अच्छी दी गई है। हाँ, बाकी की जो प्लेटफॉर्म है वो रेंज रोवर वाला दिया गया है, यानी जो चेचिस का प्लेटफॉर्म है वो रेंज रोवर के बराबर का दिया गया है, लेकिन फिर भी जो डोर्स हैं वो बिल्कुल ही अंदर चले गए हैं। आपको क्या लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टाटा की वैसे टक्कर तो नहीं है इंडियन कार के बजाय, लेकिन इसको वॉल्वो से कंपेयर किया जा रहा है, उस मामले में मुझे ये कार पिछड़ती हुई नज़र दिखाई दे रही है। अब आ जाते हैं अगले टेस्ट पर, जो है पोल टेस्ट। पोल टेस्ट में भी इस कार का बहुत ही बुरा हाल हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो साइड पैसेंजर जो बैठा हुआ है उसको बहुत ही ज़्यादा इंजरीज आई है, और ऊपर से आप देख सकते हैं कि जो इसकी छत है वो बिल्कुल ही डैमेज हो चुकी है, क्योंकि ऊपर इसमें सनरूफ दी गई है। सनरूफ की वजह से एक बिल्ड क्वालिटी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि पिलर को भी अंदर नहीं जाना चाहिए था, और पिलर भी इसका साइड पिलर भी अंदर काफ़ी ज़्यादा अंदर चला गया है। तो साइड बैरियर में अगर हिट होती है कभी भी गाड़ी, तो मुझे तो लगता है कि गाड़ी के पैसेंजर्स को काफ़ी ज़्यादा चोट आएगी। अब चलते हैं हैरियर के साइड पोल टेस्ट पर। हैरियर का साइड पोल टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बेकार रहा। आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी छत और पोल भी बहुत अंदर तक घुस गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बिल्ड क्वालिटी पर इस मामले में आप देख सकते हैं कि हैरियर और टाटा सफारी की क्या बिल्ड क्वालिटी है। इस वीडियो में मैंने पूरा एफर्ट दिया है कि ताकि आप पूरी तरह से समझ सकें और अपना अच्छा डिसीजन ले सकें कि आपको कौन सी कार खरीदी है, कौन सी कार नहीं खरीदनी है। वैसे तो टाटा का कोई जवाब नहीं है दोस्तों बिल्ड क्वालिटी में। इंडियन कार्स की बजाय ये कार बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेगी फिर भी, लेकिन वॉल्वो से इसका कंपेरिजन किया जा रहा है, उस हिसाब से ये गाड़ी उस प्राइस को और उस चीज़ को वर्थ नहीं कर पाती। बम्पर टेस्ट काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि बम्पर का क्वालिटी बहुत ही अच्छा दिया गया है इस बार भी। अब चलते हैं अगले टेस्ट पर, जो है स्टेबिलिटी कंट्रोल टेस्ट। इस मामले में कार मुझे फेल लगी, लेकिन फिर भी SUV है, 7 सीटर है, उस हिसाब से इसकी स्टेबिलिटी ठीक ठाक है। तो आप इस गाड़ी पर पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, क्योंकि 30 लाख में इतना ही मिल सकता है दोस्तों। आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए ऑटो ग्लैमर इंडिया।